कहां तैयार होता है फांसी का फंदा? कैसे तैयार किया जाता है ये फंदा? कब दी गई थी पहले भारतीय को फांसी? जानिए सारे सवालों के जवाब। आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से देश में केवल बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। लेकिन अभी ये खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि निर्भया के गुनहगारों की दया याचिका खारिज हो गई है और जल्द ही चारों गुनहगारों को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसी सूचना के आधार पर बक्सर सेंट्रल जेल में फंदा बनाने की तैयारी चल रही है। जेल अधीक्षक की माने तो उनके पास फंदे बनाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन बड़े अधिकारियों से ये निर्देश आया है कि 10 फांसी के फंदे को बनाकर तैयार रखें, जिसके आधार पर फांसी के फंदे तैयार किए जा रहे हैं। अभी मांग तो कहीं से आई नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मुझे डायरेक्शन दिया गया कि आप एटलीस्ट 10 हैंगिंग रोप को बना करके रखें, निकट सप्ताह में आपके पास ऑर्डर आएगा। और ये एक्चुअली बहुत रैपिडली होता है कोई भी काम, इस तरह के काम को, और ऑल ऑफ सडन तो मेरे द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। तो हो सकता है कि ऑर्डर जब आएगा तो बस तुरंत आएगा, आदमी आएगा लेकर चला जाएगा। कैसे बनता है फांसी का फंदा? फंदे को तैयार करने के लिए खास किस्म के J34 धागे का इस्तेमाल किया जाता है। 154 धागे को मशीन में पिरोकर घिसाई के बाद बनाया गया इस फंदे को बनाया जाता है, जिसके बाद रस्सी को रात में गंगा नदी की नमी और ओस से मुलायम किया जाता है। 54 फीट की रस्सी को एक मशीन में घुमाकर एक 16 फीट की मोटी रस्सी तैयार की जाती है। इस फंदे को बनाने में पीतल के बुश का भी इस्तेमाल किया जाता है। रस्सी निर्माण के बाद जेल में ही बनी विशेष रॉड में 100 किलो वजन का सामान बांधा जाता है और झटके से गिराकर इसका परीक्षण किया जाता है। इस रस्सी का वजन 3 किलो 950 ग्राम होता है। फंदा बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जेल अधीक्षक ने बताया कि इसमें न सिर्फ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है बल्कि स्वचालित मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। ये एक जो हैंगिंग रोप बनता है उसमें 7200 धागे का उसमें समावेश रहता है। तो 7200 धागा को बनाने में, 7200 धागे का जो फांसी का फंदा है उसको बनाने में 2-3 दिन तो लग ही जाता है। और उसमें कम से कम 6-7 हमारे जो बंदी हैं और जो हमारे निर्माणशाला के इंस्ट्रक्टर हैं उनकी भूमिका रहती है। इसको बनाने में कई जगह जो है मशीन चालित, मोटर चालित जो मशीन है उसका भी प्रयोग किया जाता है, और कई जगह जो मशीन है वो मैनुअली हाथ से चला करके उसको कसा जाता है। तो दोनों चीज़ों का यूज है, मोटर चालित मशीन का भी यूज है और स्वचालित हाथ से भी मशीन को चलाया जाता है। एक्चुअली पीतल के बुश में ही वो बने, वो जो फंदा जो बनेगा जो कि गले में जो फंसाया जाता है, तो पीतल का जो बुश होता है वो एक्चुअली वो स्पाइनल कोर्ड के ऊपर वही जाके फंसता है, तो उसी से उसी में वो बांधा भी जाता है। तो इसीलिए पीतल के बुश का बहुत महत्व है। पहली बार कब हुआ था फंदे का इस्तेमाल? 1844 में अंग्रेज शासकों द्वारा केंद्रीय कारा बक्सर में मौत का फंदा तैयार करने की फैक्ट्री लगाई गई थी। इस फंदे को जेल में बंद कैदी और कुछ जानकार लोग तैयार करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ के तैयार फंदे से पहले भारतीय को 1884 में फांसी दी गई थी। मनीला रस्सी के नाम से क्यों जाना जाता है? बक्सर जेल में बनने से पहले ये रस्सी फिलीपींस के मलीना जेल में बनती थी, इसीलिए इसे मनीला रस्सी भी कहा जाता है। केंद्रीय कारा बक्सर जेल के अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा ने बताया कि बक्सर जेल में फांसी के फंदे का निर्माण पहले से ही होता आ रहा है, ये यहाँ के लिए सामान्य बात है। देश के किसी जेल में फांसी देने के लिए यहीं से फंदा भेजा जाता है। फंदा जो है हमारे प्रिजनर्स के द्वारा बनाया जाता है और हमारे निर्माणशाला में कुछ स्टाफ है जो काफ़ी पुराने स्टाफ है जो पहले भी रस्सी को बना चुके हैं, और प्रिजनर्स भी कुछ ऐसे हैं जो पूर्व में भी जो रस्सी दी गई थी उस समय वो थे,
तो एक ट्रेडिशन है, मैंने एक हमारे कुछ स्टाफ्स हो गए, कुछ प्रिजनर्स हो गए जो पूर्व में बना चुके हैं, और कुछ नए प्रिजनर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं, तो सब मिलजुल कर इसे बनाते हैं। आपको बता दें कि जब जब देश में किसी कैदी को फांसी के फंदे पर लटकाने का फरमान जारी होता है तो बक्सर के सेंट्रल जेल के ही कैदी मौत का फंदा तैयार करते हैं। बताया जाता है कि बक्सर सेंट्रल जेल की रस्सी से अब तक 28 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।